पीवाई आउ एक तालीम देवाको पड़ी थाए जो शिकुला मार्ग से आसुचंती प्रत्येक दिन आप देखुचंती शिकुला मार्ग से विशेष तालीम नियंती वर्तमान नीलचक्र जो शीर्ष स्थान रे जाई पहुंची किए ना चेनोरा सेवक जो नीलचक्र को अतिक्रम करने स्वतंत्र प्रशिक्षण नेबाकए कारण ये जो नीलचक्र विशालकाय नीलचक्र ये 12 फुट उच्चतार ये नीलचक्र उच्चता होती 12 फुट से 12 फुट उच्चतार नीलचक्र को चढ़ी समर्पित भाव में दुई हाथ को से ऊर्ध बाहु करी महाप्रभु निकट में समर्पि जा दंडायमान होती नीलचक्र शीर्ष भाग जो कर्णिका उपरे प्रणाम मुद्रे अक्षय दंड को प्रणाम करें अक्षय दंड को धरले अक्षय दंड को प्रणाम करूँगी मथा लगे प्रणाम करेंगे अक्षय दंड को नीलचक्र विजुक्त करेंगे जो नीलचक्र द्वारा अक्षय दंड बंधा जाइंट से नीलचक्र को जो एक पताका द्वारा बंधा जाइंट प्रत्येक दिन से बांधि था रुंधि था नीलचक्र द्वारा ये अक्षय दंड को फिटे नीलचक्र को पतित पावन बाना को निज हाथ पाख को आणत जो पतित पावन बाना अक्षय दंड रे अग्रभाग रे उड़ु अछंति से पताका को से निजर हस्तगत करिबा परे तांकर उलागिर सेवा करि थांति से पताकाटुकु काढ़ी आज पताका जो नई थांति नै चंति से पताका को लागी करिवे तेणु अक्षय दंड टी को तल को आणिबा को हिथाय से अक्षय दंड जेतेबेले तल को आनी थांति वर्तमान फिटेकि से बाउंश जो 19 फुट्र बाउंश कई कई आपको 23 फुट्र बाउंश कहते से जहा सुच बाउंश मूली बाउंश टीए साधारण मूली बाउंश टीए जत प्रभु सेवार आसी जाए तार नाम परिवर्तन होताए अक्षय दंड बा ब्रह्मदंड होताए बाउंशर मान्यता से पाई नए दंडर मान्यता पाई थाए पुणी अक्षय दंडर ब्रह्मदंडर मान्यता पाई थाए तेणु प्रभु निकट को जी आसे प्रभु क्षेत्र को जी आसे प्रभुंर एक स्वतंत्र परिचय महाप्रभु ताको प्रदान करदे था जाति धर्म वर्ण निर्विशेष जितेबाला क्षेत्र को समस्त आगमन करूँ प्रत्येक जो जातिर हो जो धर्मर हो जो वर्णर हो निश्चित भाव जगन्नाथों भक्त बोली प्रथम परिचय तार मिली थाए तेणु श्रीक्षेत्र में जाति धर्म वर्ण निर्विशेष समस्त सामान जे बड़दाण्डे ठिया सिंहद्वार ठिया से प्रत्येक जातिर हेले से जगन्नाथंकर भक्त बोली ताकु स्वीकार करती समस्ते तेणु महाप्रभुंकर जो स्वतंत्र परिचय समस्त समस्त वर्गर प्रत्येक जीव आत्मा को से प्रदान करिछंती महाप्रभुंकर लीला तेणु से लीलामय पुरुषंकर जेतेबेले नीलचक्र रे कारण नीलशैल नीलसागर नीलाद्रि कंदर नीलाद्रि विहारी नीलचक्र से नीलचक्रर शीर्ष भाग कर्णिका जो नीलचक्र को अतिक्रम करने को आ स्थान ना जगह ना से ही सी रही था सर्वोच्च उच्च सर्वोच्च स्थान रे से पहुँची से पहुँचिक निर्भीक भाव में महाप्रभु को भरोसा कर सेवा संपन्न करूँ जो पताका को उलागि करिबा परे अक्षय दंडरु से पताका को निजर गला माध्यम रे आणिबे तळकु से पताका प्रत्येक दिन तांकर उलागि समय रे जेतेबेले ठिया होंती एक गोड़ रे से ठिया हेबाक पड़ता नीलचक्र उपर गोटे गोड़ नीलचक्र ठिया होंती गोटे गोड़ अर्धभग्न तांकर से नीलचक्र जो फांक रही रखि था दुई गोड़ रे तांकर चुनरा सेवक तांकर शरीर भारसाम्य को संतुलन कर दुई हाथर तांकर सेवा संपन्न करी थांते ध्वजाबंदा सेवा को प्रत्येक दिन यू ठिया हबार तांकर निर्भीक भाव ठिया होई कौनसी प्रकार भयभीत न होई महाप्रभुंकर ए सेवा को करी थांते से दृश्य को देखिबा पई व्याकुलता होई थांते भक्त मान बुझी पारंते भक्त प्रकृत रे जो सेवा करूछते चुनरा सेवक महाप्रभुंकर बिना ये करिबा असंभव जी भी देखिबो ए दृश्य को सी भी अनुभव कर वास्तव में जदि प्रभुंकर कृपा प्रभुंकर दया न हुए ये सेवा को संपन्न करने सक्षम कहीं भी धरापृष्ठ में ना तेणु प्रभुंकर आशीष प्रभुंकर कृपा नहीं प्रभु निजे उपस्थित रही सेवा को संपन्न करी था जहाँ सेवक मैंने कही था चिन्हर सेवक मैंने अनुभव करती महाप्रभु ही करती कारण पताका जेते बेले बांधिबा को जानती
अतिक्रम करने को जो पताका नीलचक्र को अतिक्रम कर शिर्वच खंड शाल को अतिक्रम करने को पड़ी था बेले बेले एभली स्थिति परिस्थिति मंदिर उपरे ही थाए से परिस्थिति से स्थिति को से निश्चित भाव प्रभु को समर्पित दे था एवं से मुक्ति पाई सुचारू रूपे सेवा को संपन्न कर आज हलदिया रंगर चौदह हाथर पताका जगन्नाथ पतित पावन बाण ध्वजा को चुनरा सेवक अक्षय दंडे बांधी अक्षय दंड को सुंदर भाव मुक्त आकाशर अनंत आकाश को टेकी जो अनंत आकाश तले आनंद बांटिबा सहित आकर्षित करने सहित पतित पावन बाना उड़ुअंत जो पतित पावन बाना नाम जहाँ पतित पावन बाना जहाँ पतित पावन यात्रा जहाँ पतित पावन से पतित पावन बाना गगन पवन भेद कर उड़ुची पतित पावन बाना